नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस पुणी सामना को आसिला खाकीर दादागिरी हसिले बाड़ेबे ढेंकानाल परचुंगा आईसी को दबंगिरी सर्वसाधारण माड़ मारिबा सह लोकंकु धमक देबार वीडियो वायरल टाटा कहिला काटि बुजिलापाल कहिले चालिछ आलोचना ब्रह्मपुर रे बकेया विद्युत बिल विवाद महानगर निगम नारे 700 कोटी रो बाकी लाइन काटिबा को धमक देथिला कंपनी दमन जोड़ी रे नकली गुटखा कारखाना उपरे चढ़ाऊ 50 लाख टंका रा नकली गुटखा जब्त गिरफ अभियुक्त घर हैदराबाद रे होतिबा सूचना दीर्घ दिन धरि चालिथिला कारोबार राति अधिया गाय चोरी करुछंती गोमाफिया चोरी करुथिबार दृश्य सीसीटीवी रे कैद भुवनेश्वर केसुरा बाईपास रो आसिला वीडियो राति रे विभिन्न स्थान रो गायो संढ चोरी होतिबा अभिजो पुणी खटिया रे बुहा हेले रोगी मयूरभंज बालेश्वर सीमांत तोटापड़ा मुरुडा गाँव रो घटना गाँव जागेश्वर हांसदा को 5 किलोमीटर दूर खटिया रे बोही नेले ग्रामवासी गाँव को भल रास्ता नथिबारो आसी पारिलानी आंबुलांस आजि सिमला रे समस्त राज्यर बाचस्पतिंक सह बैठक करिवे प्रधानमंत्री ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस रो 82तम शतवार्षिक को स्मरणीय करबा को हेउछि बैठक बाचस्पति ओम बिरलांक अध्यक्षता रे बसिबो बैठक गुरु पर्व पूर्वरु सिख समुदायर श्रद्धालुंकु मोदी सरकारक बड़ उपहार आजिठु करिब कर्तापुर साहिब करिडर ट्वीट करी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाहक सूचना कहिले एही निष्पत्ति श्री गुरु नानक देवजी एवं सिख समुदाय प्रति मोदी सरकारक अपार श्रद्धा को दर्शाउछि राज्य पंचुकर तृतीय दिन सह बड़ोसा कटक धवलेश्वर पीठ से बड़ सिंहार बेश दर्शन देखते ठाकुर कोरोना संक्रमण दृष्टि भक्तों दर्शन मना मंदिर परिसर में 144 धारा जारी सेपटे पुरी में त्रिविक्रम बेश दर्शन देखते श्रीजू और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं और इसलिए यह अमृतकाल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य 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 ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो, सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो, सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो, हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो, अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है, जब सदनों से यह संदेश जाएगा
जब सदनों में ये संदेश बार बार दोहराया जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य, 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब संसदीय व्यवस्था की 100 वर्ष की इस नई पहल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी इस समिट बहुत ही सफल हो, 2047 में देश को कहां ले जाना है, सदन उसमें क्या भूमिका अदा करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा के साथ आप यहां से चलेंगे, देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण शुणुते सिमलें समस्त राज्यर बाचस्पति बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस रो 82तम शतवार्षिकी को स्मरणीय करने को यह बैठक हो आज 19 तारीख पर्यंत चलो, माने 16 रु 19 तारीख पर्यंत यह बैठक चालू रहा। मन में जगाने के लिए शुक्रगुजार हैं हम इस मुबारक मौके पर अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हृदय तल से कोटि कोटि आभार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर हंसराज जी से आदर सहित विनती है सम्माननीय अतिथियों के विधिवत धन्यवाद के लिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशा। परवर्ती खबर को हसिले मु बाड़ेबी, परजंग आईआईसी को फतुआ, सर्वसम्मुखरे फतुआ जारी करी चर्चा रे परजंग आईआईसी नमिता नायक, परजंग बाजार रे सर्वसम्मुखरे लोकंकु देउछंती धमक, हसिले बाड़ेबी बोली सीधा सीधा लोकंकु सुनाउछंती, जार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि, यहा ढेंकानाल परजंग बाजार रो बोली चर्चा हेउछि। तेज हसिले मु बाड़ेबी, परजंग आईआईसी फतुआ, सर्वसम्मुखे फतुआ जारी कर चर्चा रे परजंग आईआईसी नमिता नायक, ढेंकानाल परजंग रे एभली घटना घटी जहां वर्तमान सोशल मीडिया रे वीडियो टी वायरल होबार लागिछि। ऑनलाइन रे शिशु जौन निर्यातना और शोषण अभियोग मामला, ओडिशा समेत देशर 14 राज्य केन्द्र शासित अंचल 77 स्थान में चढ़ाऊ कर सीबीआई। नवंबर 14 तारीख में सीबीआई अलग अलग 23 मामला रुजु कर 83 जन को अभियुक्त करता केन्द्रीय तदंतकारी संस्था। ऑनलाइन रे शिशु निर्यातना नहीं 50 गोष्ठी सक्रिय रही और 100 देशर एमानक नेटवर्क जमापड़ी। मोट 23 मामला रुजु होता बेले ओडिशार 3 जन समेत 83 अभियुक्त रही। चढ़ाऊ समय मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेनड्राइव, हार्ड डिस्क जबत करा। ओडिशा समेत देशर विभिन्न स्थान 50 अधिक को अटक रखा जाता विश्वस्त सूत्र सूचना मिली। सारा देश में ऑनलाइन रे चली शिशु को जौन शोषण, अश्लील वीडियो और फोटो तैयारी करा जाए, ओनली चाइल्ड सेक्स वीडियो ग्रुप रे पका जाउतिला। एही काम रे सक्रिय दलाल माने विपुल टंका रोजगार करथिले। गोटे कि दुईटा नुहे एकाधिक व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया साइट रे हाल उपलब्ध होउतिला। एपरी विदेश रे मध्ये यहार चाहिदा बेस अधिक रहउतिला।
ब्रह्मपुर रे बकेया विद्युत बिल विवाद टाटा कहिला काटिबु जिलापाल कहिले कटिबनी चलीछि टाटा सह आलोचना महानगर निगम नारे 7.65 कोटी बाकी बकेया बिल नदेले आजिठु लाइन काटिबाकु धमक दैथिला कंपनी तबे ब्रह्मपुर महानगर निगम कर्तृपक्ष पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया हस्तगत होइ पारिनि तबे जिलापाल कहिछन्ति बकेया बिल नै टाटा पावर सह आलोचना चलीछि ब्रह्मपुर रे हेबनी विद्युत काट सेथिपय आलोचना चलीछि धीरे धीरे पूर्वरु रहितबा बकेया टंकाकु पैठ कराजिबो 16,500 रु अधिक स्ट्रीट लाइट बंद हेबा सह रेशम सहरर अंधार हेबो बोली टाटा पावर कर्तृपक्षक पक्षरु नोटिस होइतिला नोटिस पदाकु आसीबा परे सहररे असंतोष देखिबाकु मिलिथिला तबे एते परिमाणर टंका काहि कि बीएमसी पूर्वरु पैठ करुनथिला ताकु ने उठिछि प्रश्न नाही से निगोशिएशन चालीछि से आरंभरु चालीछि ये बिल काउंटिंग को नहीं के तो ता ऊपर किछि हेबो नै पावर कट हेबो नै आमे ये करबो इंश्योर सर बस सर गोटे अपंगता ना 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 सेमिति किछि हेबो नै दामनजोड़ी रास्तार नकली गुटखा कारखाना रे चढ़ाऊ 50 लाख टंकार नकली गुटखा जबत कला सिमिलीगुड़ा पुलिस जनक गिरफ्त कर पुलिस गिरफ्त व्यक्ति घर हैदराबाद रे बुली सुनाबड़ा एसडीओ पम मनोज कुमार बेहरा सूचना देखते दीर्घ दिन धरी नकली गुटखा कारखाना चलुला गुटखा तैयारी मेसीन सरंजाम केमिकाल चून समेत प्रस्तुत नकली गुटखा पैकेट गुड़ी जबत कर तदंत जारी रही पुलिस कही बालेश्वर उपदा ब्लॉक रे चकड़ा पोक चिंता जगन्नाथपुर बड़पोखरी अघिरापदा सह विभिन्न गाँव शह शह एकर चाष जमी में चकड़ा पोक लगी लघुचाप जनित वर्षा चाषी अमल को नहीं आशा आशंका मध्य गति करुछन्ते प्रथमे चकड़ा पोक लगी एकर एकर धान गछ नष्ट हो जाइतिला एबे लघुचाप जनित वर्षा जोगु धान गछ गुड़िक माटी रे लागी जाउछि जहाको नै एबे चासी माने भांगी पड़िछन्ते चासी चास करि वर्षक जाकर फळकु अमल आशा रखिथिबा बळे एबे ताहा वृथा जीव बोली कहिलेनि चासी चासी माने धार करज करि चास करिथिले किंतु एबे आउ बिलरु धान मिलिबो नाही कि ताहा चासीक मनरे सन्देह सृष्टि होइछे हजार हजार टंका खर्च करि चास करिथिबा बळे ताहा किपरि परिशोध करिबे ताकु चासी कुल हताश होती अनेपटे वर्षा छाड़े पुणी रोग पोक अधिक लगे आशा करी तेणु चासी आमल करने को आशा नथिबा कहिछन्ति सरकार चासी को पाई सहायता करने को दावी करिछन्ति चासी मुझ आज्ञा 5 एकर जमी चाष करी मोर सब चकड़ा पोक लागिक सब नष्ट आज्ञा कि मुझे भावुची किमी छुआ को पाठ पढ़ेमी कौन करमी किमी चलमी से कथा सोसाइटी लोन आनी गाँवली सुध आनी कौन करमी सरकार कृषि अफसर जाइनी कृषि अफसर आसिक देखी दिले से किसी व्यवस्था करने भाई कहीं मत लगुनि जदि सरकार किसी पदक्षेप न ने ऋण भार किसी आम हालुका न करेंगे आम बाध्य ड्यांस गाड़ी मारिदेव ना मरीज आउ उपाय किसी बाट किसी विकल्प पंथा आम पाखे किसी ना लघुचाप बर्तन आईला सी धान भी आर को आसवन आउ कौन करमु जदि सरकार जब लोन छाड़ जी करें टे शांति निश्वास मारतु यही मोर दाबी आ सरकार पाखे आम गाँव रहा शह चाषी यही चकड़ा पोक जौआ पोक ए लघुचाप संपूर्ण रूपे नष्ट धान सरकारी बेसरकारी ऋण गाँव ऋण ये सब समस्त करके आम चाष विनियोग करूँ कि बर्तमान या चाषी को मुंड हाथ दे बस आउ उपाय किसी ना ए चल बाट किसी ना तेणु किए डीएसएल मार किए विष खाइब किए कौन करेंगे यार किसी ना मोर 5 एकर जमी क्षय क्षति होना अधिक आम गाँव समस्त बोधे एरक जा 200 एकर अधिक जमी एरक चकड़ा पक लगी जाती बर्तमान आम हाहताश भितर अच्छु सरकारी ऋण करूँ गाँवली ऋण किसी करूँ आम होम्न मध्यवित्त चाषी तेणु ये बर्तमान चकड़ा पक लगे आम मेरुदंड भांगी दे आम ऋण किमी सरकार आम मथार उल्लैबे से कथा सरकार चिंता करने आम दाबी करस्थिति आपण मान तो देखुं 200 एकर अधिक जमी आम साहर चकड़ा पक लगे ये प्रकार क्षति कर पकड़ राति अधिया गाई चोरी करुछंति गोमाफिया चोरी करुथिबा दृश्य सीसीटीवी रे कैद होइछि भुवनेश्वर केसुरा बाइपास रे राति रे विभिन्न स्थान रु गायो संढ चोरी रो अभिजोग होइतिबा बेले सामना को आसीछि सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी विजुअल सह अनेक समय रे केतक निर्दिष्ट व्यक्ति को संपृक्ति थिबा कथा बारंबार राजधानी रो विभिन्न थाना रे अभिजोग होय आसुथिले सुधा आज जे पुलिस रो कार्यानुष्ठान सुन जेउथि पई गो माफिया माने एभळी दुस्साहस करुथिबा अभिजोग होइछि
ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜ ପନାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜ ପନାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାଞ୍ଚଳ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ତୋଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁର ଜାଗେଶ୍ୱର ହାଁସଦା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବସ୍ତା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତର ଦୁଃଖ ନ କହିଲେ ଭଲ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ କେହି ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନଦୀ ପାର ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଆସୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଖାରବେଳ ନଗର ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମରଶରୀର ରଖାଯାଇଛି ସେ ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବାଲିକୁଦାର ମାଛ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ଧରାପଡ଼ିବା ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦଣ୍ଡ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଙ୍ଗା ଥାନା ସିନ୍ଧିଭଟା ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଥାନା ପୁଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ଗାଁର ଏକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା ତେବେ ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଧରି ଯୁବକ ଜଣକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲା ମୋବାଇଲ ଚୋର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମୋବାଇଲ ମାଲିକ ଜାଣିବା ପରେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ସିନ୍ଧିଭଟା ଗାଁରେ 2-3 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଥିବା ଯୁବକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚୋର ଯୁବକକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ବହୁଦିନର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତଃରୋଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ରେକର୍ଡ ବିଭାଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପୈଠ ନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏଜେନ୍ସି ଛଟେଇ ଧମକ ସହ ନୂତନ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଗୋଟିଏପଟେ ଜଗନ ନବୀନ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ଛାଣିନେବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର କଟୁରେ ବ୍ୟାରେଜ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର ସେଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା କୋଲନରା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଜମି ଜଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଝଞ୍ଜାବତୀରେ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଡୁ ବାଲ୍ସା ରବର ଡ୍ୟାମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲା ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଅନ୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିଛି ଏଲ୍ସିବି ଲୋଟସ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ
टय ब्यांक और स्वतंत्र कोठरी एभली कुनी पिलांक पाई रखा जाइथिला। बही मैगजिन मेडिसिन फूड पैकेट वाटर बॉटल परी सामग्री तंकु जगाई दिया जाइथिला। ते बिना रिटर्न गिफ्ट रे एही कुनी कुनी स्टार किछि भी नेबाकु प्रस्तुत नथिले। सेमाने नाच गीत निजर प्रतिभा देखाइबा सह देखाइथिले। तो विश्व डायबिटीज सप्ताह अवसर आज भुवनेश्वर एम्स छात्र छात्री और कर्मचारी सचेतनता कार्यक्रम विजु पटनायक पुलिस एकाडेमी एक राली बाहरी एम्स पर्यंत जाइथिला। एम्स रे पहुंचबा परे एम्स निर्देशक समस्त डायबिटीज ठारु किभळे दूरै परिबे से संपर्क में अवगत कराइथिले। चलित बर्षर थीम रही आसेस टू डायबिटीज केयर, डायबिटीज रु किपरि दूरै रही हेबो, डायबिटीज किपरि न छुइबो से संपर्क में आलोचना होइथिला। भुवनेश्वर को डायबिटीज सहर को आ जाउछि कारण 90% लोक डायबिटीज रे आक्रांत। सहर को किपरि डायबिटीज मुक्त करिबे से लागि शपथ नेइछन्ति एम्स कर्मचारी। So the theme for the World Diabetes Day this time is access for diabetes care, and that is exactly what AIIMS Bhubaneswar is doing. We have improved access. We have endocrinology unit with Dr. Kishore Behra, who is heading it, who when they are diabetics who are proven diabetics, he takes care of the more complicated cases. But we have an NCD clinic where people who suspect they could be diabetics, they should come and get themselves checked. The problem is diabetes is a silent killer. So when people are diabetic, they just take it very easy, you know, eating sweets and eating high carbohydrate food as if nothing will happen. And nothing does happen for decades. It's only later on when your kidneys go or your eyesight goes or your heart is affected that you begin to regret. So if you are a diabetic, you need to start taking care. Simple measures are enough. You don't need to start taking drugs immediately, but simple measures like restricting your food intake, you can reduce your carbohydrate in food, exercise regularly, reduce stress. These are some of the things which all of us can do and we should do. And I hope everyone will take diabetes seriously. If you are a diabetic or even in a pre-diabetic state, this is the time to start taking action. मयूरभंज जिला करंजिया उपखंड में प्रबल घन कुहुड़ी किछि दिन हबो पड़ी। आज करंजिया सहर रे किछि भी दिसुनी, रास्ता घाट कुहुड़ी जगु बाधाप्राप्त हो 10 मीटर आग को किछि भी दिसुना, शीतर प्रकोप आस्ते आस्ते बढ़िबार लगी। अनुगुल रेलवे स्टेशन ठारे लाइफलाइन एक्सप्रेस रे आरंभ होईछि मागणा चिकित्सा सेवा। इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन आदित्य बिरला और रेल विभाग सह स्थानीय प्रशासन आनुकूल्य रे आरंभ होईथिबा एही सेवा आसंता 30 तारीख पर्यंत जारी रहइबो। मल्टी स्पेशियालिटी ट्रेन, ट्रेन भितरे रहिछि हॉस्पिटल रो समस्त व्यवस्था, ओटी रूम ठारु आरंभ करी चिकित्सा पई आवश्यक अत्याधुनिक पद्धति सुविधा। भारत तथा सारा विश्व रे प्रथम हॉस्पिटल इन ट्रेन रे अनुगुल रेलवे स्टेशन ठारे मागणा चिकित्सा शिविर अनुष्ठित होईचे। देशर कोण अनुकोण रु अभिज्ञ डाक्टर मारे आसी रोगी को चिकित्सा करिवे एवं अस्त्रोपचार करबा व्यवस्था रहितिबारु एहाकु लाइफलाइन एक्सप्रेस कुहा जाउचे। संपूर्ण मागणा रे चिकित्सा करा जिबा सह आवश्यक उपकरण एवं औषध जगाय दिया जिबारो व्यवस्था मध्य रहिछि। तेणु आसंता नवंबर 30 तारीख पर्यंत जिलावासी यार सुजोग नेबाकु अनुरोध करिछि यार परिचालना संस्था इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन। रेल विभाग तरफ जगाय दिया जाइथिबा 7टी बगी थिबा ट्रेन भितरे 2टी अस्त्रोपचार बगी अछि, जेउठी आखि कान गोड़ हाथ और महिलांक विभिन्न रोगर अस्त्रोपचार पई स्वतंत्र व्यवस्था रहिछि। अत्याधुनिक जंत्रपाति अछि। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और अन्यान्य स्थानरु अभिज्ञ डाक्टर माने आसी अस्त्रोपचार करुछंती। सेवा संपूर्ण मागणारे करा जाउछि। ट्रेन गोटिए स्थानरे पहुंचबा परे संस्थार आंबुलांस और अन्यान्य गाड़ीरे जाई गुरुतर रोगी मानंकु ट्रेन पर्यंत आनिबार व्यवस्था रहिछि। सेहिपरि गोटिए लेखाए बगीरे दांत संपर्कीय रोगर चिकित्सालय, महिला और प्रसूति रोगर चिकित्सालय, परीक्षागार, आउटडोर आदि रहिछि। निश्चित भावे यहाँ साधारण तथा गरीब रोगी को पाई उपयोगी हो पार बोली आशा करा जाउछि। जो हमारा एनजीओ है इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन, उसमें हमारी एक लाइफलाइन एक्सप्रेस चलती है जिसके अंदर हॉस्पिटल ऑन ट्रेन है। तो जितनी भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें ट्रेन पे हम लोगों को देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रूरल इलाकों में जाते हैं और वहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट
हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन है विदर मल्टी स्पेशलिटी करते। हमारी ट्रेन देख के अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, चाइना उन्होंने और बांग्लादेश ने ये कॉपी किया है हमारा। हम स्पेशलाइज डॉक्टर लेके आते हैं, सीनियर डॉक्टर, ऐसे नहीं कि जो कोई सी को भी पकड़ा लाया बॉम्बे से, अहमदाबाद से, कभी कभी हैदराबाद से, ये सब डॉक्टर हमको बोलते हैं हमको आके इधर फ्री करने का है, वो आके इधर फ्री का काम करते हैं। और ये होची अनुगुल स्टेशन रो बाहर थीबा कल्याण मंडप रो दृश्य जहाँ को एबे ओपीडी भावे व्यवहार करा जायछि। प्राथमिक स्तर में पंजीकरण कोरोना टेस्ट सह चली चक्षु रोगी चिकित्सा सरकारी बा बेसरकारी अबा साधारण लोके समस्त निःशुल्क सेवा जोगाई देखते इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन आदित्य बिला ग्रुप सह रेल विभाग स्थानीय प्रशासन मिलित आनुकूल्य होता एक कार्यक्रम को आसी बेस खुशी व्यक्त करिसेंती रोगी एवं सेमानंक संपर्क एटी अमर से डाक्टर आसिले आगो आरटीपीसीआर से प्रथम गले रजिस्ट्रेशन कलु ओएलबीएफ हेड गलु तापर गले आरटीपीसीआर चेक कले से पळी जी सैंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पळी जी सैंपल से आसला पर जा रिपोर्ट बार तुम डाक्टर देखिले देखला पर से वर्तमान देखि सारे देखि सारा पर से हेड कहते जे वर्तमान आपणकर आई टेस्ट हबो। आई टेस्ट रे आइदर आपणकर ऑपरेशन हबो नले चश्मा लागि पारे। गाड़ी से सब जाकि प्रचार करथले आखि जे विभिन्न प्रकार आखि आ कान दात भंत एम सब टेस्ट फ्री रे करा जिवो रेलवे इंपैक्ट कोरापुर रेलवे स्टेशन रेल आसिबे डॉक्टर माने आ विभिन्न प्रकार सुविधा फ्री रे पाई परेला मैं आसी मते आखि प्रॉब्लम अछि छोट अक्षर देखा जाउ। सूचना अनुजाई सारा देश में दुर्गम अपहंच इलाका रे रोगी मानकु किभळी मागणा स्वास्थ्य सेवा जगाई दिया जाई परिभ सेने इंपैक्ट इंडिया पक्षरु एही उद्यम आरंभ करा जाई छि जहां केंद्र सरकार को सह भागीदार जारी रही छि। अनुगुल रु कैमरा पर्सन मनोज को सह तपन दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़। समस्त अच्छे बुलेटिन को एट रखो। नमस्कार।